बिहार के गया में आरजेडी विधायक पर जानलेवा हमला हुआ। बेलागंज के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव की गाड़ी पर हथियारबंद बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। हालांकि इस फायरिंग में विधायक बाल बाल बच गए। घटना उस वक्त हुई जब सुरेंद्र यादव एक शादी समारोह से लौट रहे थे। विधायक के बेटे ने हमले के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई है। विधायक जी की गाड़ी आया, लेकिन उन्हें पता नहीं था विधायक जी उस गाड़ी में ही हैं। उस पर भी बात किया, फायरिंग किया, पीछे से फिर बैक की ओर भागना स्टार्ट कर दिया विधायक जी। कितना लोग विधायक जी वहाँ से भाग चुके हैं। उसके बाद विधायक जी आधे घंटे के बाद प्रशासन फिर वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल पर भी वहाँ पर देखें, वहीं पर घटनास्थल पर सब हथियार लिए हुए, सब हथियार भी लिए हुए, कट्टा था और आरी वाला एयर था और डंडा भी था, लाठी था और पंछे वो रिवॉल्वर था। गश्ती पार्टी को अभी लोग वहीं तुरंत भेजे, इसके बाद गंभीर है। तो वहाँ पर यही जानकारी हुई कि पेड़ के टहनी काट के श्रीपुर से करीब 2 किलोमीटर आगे बराबर पहाड़ जाने वाली रोड पे रोड होल्डअप करके 2 मोटरसाइकिल को छिंछुर किया था, मोटरसाइकिल सवार से। उसी बीच विधायक जी की गाड़ी आई, उनके साथ भी ऐसा। जी हाँ, वो अपराधी बदमाश टाइप का है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हमारे लिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे तस्कर को पकड़ने के लिए कैसे कार की बोनट पर चढ़ा अफसर। 10:35 पर योगी की पुलिस ने किया घूस देने वाले का स्टिंग, और 10:40 पर जिनका कोई नहीं उनका प्रयास।